my first travel vlog. ऑक्सफोर्ड, नाम सुनते ही आपके माइंड में ये इमेज तो आती ही होगी, बट मेरे माइंड में ये इमेज आती थी जब मैं 5th-6th क्लास में थी, मेरे दादू ने मुझे ये डिक्शनरी गिफ्ट करी थी एंड तब से ही मुझे ये डिक्शनरी वाली प्लेस में एक बार तो जाना ही था एंड हियर आई एम। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की बहुत सुंदर सिटी जो कि लंदन से 90 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है, और अगर आप लंदन से आते हो ऑक्सफोर्ड के लिए तो आपको अराउंड 1 आवर लग जाएगा बाय ट्रेन और बस। सिटी फेमस है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के कारण। ये वर्ल्ड की सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 28 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पड़ चुके हैं एंड अभी के जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं एंड अब तक के 69 नोबेल प्राइज मिल चुका है यहाँ के स्टूडेंट्स को। हमारे इंडिया के भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की, इनमें से कुछ को तो आप लोग तो जानते ही हो, श्रीमती इंदिरा गांधी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिसेस सुजाता वसंत, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सारे यहीं से पढ़े हुए हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक्चुअली दिस इज़ नॉट ए कैंपस यूनिवर्सिटी, मीन्स इसका कोई बाउंडेड कैंपस है ही नहीं। ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसका एकेडमिक डिपार्टमेंट, कॉलेज एंड हॉल सारा ऑक्सफोर्ड में अलग अलग प्लेसेस में फैला हुआ है। सो द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे मैं जा रही हूँ उसका नाम है रेडक्लिफ कैमरा। सो इट्स एन आइकॉनिक ऑक्सफोर्ड लैंडमार्क। जब भी आप ऑक्सफोर्ड सर्च करोगे आपको गूगल में यही पिक्चर शो होती है। एक लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी बनाई गई थी 1737 में। इसका नाम रखा गया था एक फिजिशियन के नाम पे, जिनका नाम था डॉक्टर जॉन रेडक्लिफ। एंड आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 लाख बुक्स रखे हुए है। सैडली ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, सो मैं अंदर जाके नहीं देख सकती। बस जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वही बस विज़िट कर सकते हैं अंदर जाके। बट हाँ, इसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर है कि इसे आप बाहर से भी एडमायर कर सकते हो। हर साल अप्रॉक्स 9 मिलियन टूरिस्ट आते हैं इस प्लेस को विज़िट करने के लिए। रेडक्लिफ कैमरा के राइट में जो बिल्डिंग दिख रही है वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है। में है यूनिवर्सिटी चर्च, जिसका फुल नेम है यूनिवर्सिटी चर्च ऑफ सेंट मैरी द वर्जिन। हाँ, बहुत लंबा नाम है। ये ऑक्सफोर्ड का ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, जो कि हज़ारों साल पहले बनाया गया था अराउंड 1320
में 1320 में। एंड ये क्या है कि ना, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही सेंटर पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। 17th सेंचुरी तक यहाँ पे डिग्री सेरेमनी हुआ करता था, बट अभी बस ये चर्च ही है और इसके अंदर आप कभी भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। ये अंदर से बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। आप इसके वॉल के पेंटिंग्स देखो, ये इतना ज़्यादा सुंदर है कि आप जितना एडमायर करो उतना कम है। मैं जब गई तो मैंने अराउंड 1 आवर यहाँ पे स्पेंड किया था, एंड उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि नहीं और थोड़ा सा बैठ जाती हूँ और थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि कि इतना सुंदर है ना कि आप एडमायर करते रह जाओगे और आप थकोगे भी नहीं, बोर भी नहीं होंगे। रेडक्लिफ कैमरा के 100 मीटर डिस्टेंस में है, जिसका नाम है द ब्रिज ऑफ शाई। ये नाम है ब्रिज ऑफ शाई, जो ब्रिज ऑफ शाई के नाम से फेमस है, बट इसका ऑफिशियल नाम है समथिंग हार्टफोर्ड ब्रिज। ये क्या है कि दो कॉलेज को कनेक्ट करता है, एक पुराना कॉलेज और न्यू कॉलेज लेन को। ये ऑक्सफोर्ड का बहुत ही बेस्ट प्लेस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आती है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी रहती है इसी प्लेस पे। सो अभी मैं जा रही हूँ एशमोलियम म्यूजियम में। 1661 में बनाया गया था, जो ब्रिटेन की फर्स्ट पब्लिक म्यूजियम है। ये क्या है, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है और यूनिवर्सिटी का ही म्यूजियम है, और ये फेमस है अपने आर्ट एंड आर्कियोलॉजी के कारण। यहाँ पे यू कैन फाइंड कलेक्शन ऑफ इजिप्टियन ममीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो ह्यूमन स्टोरीज में तो ये तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है। Like my video, please consider subscribing my channel and please hit the like button. I'll see you in the next place. Bye.